जनपद पंचायत सारंगढ़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मलदाबी में केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी योजना शौचालय निर्माण आज तक पूरा नहीं हुआ, जहां ग्रामीणों को आज भी काफी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। लोगों को आज भी शौचालय नहीं होने के कारण बाहर की तरफ जाना पड़ रहा है। लोग जब सरपंच सचिव को बनाने के लिए बोलते हैं तो आज बनाऊंगा कल बनाऊंगा बोलकर बोला जाता है, लेकिन नहीं बनाया जा रहा है। किसी के घर में बना दिया तो आधा अधूरा, किसी की छत है तो किसी का कार्य चालू ही नहीं हुआ। अब इसका जवाबदार कौन होगा? सचिव को शौचालय के बारे में जानकारी लेने के लिए बार बार फोन लगाया गया, मगर सचिव के द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया। जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता के द्वारा सीधा जनपद पंचायत के सीईओ सत्यव्रत तिवारी को फोन के माध्यम से जानकारी अवगत कराई गई, जहां उनके द्वारा बोला गया कि जांच कराने के बाद जानकारी बता सकता हूं। आप मन सरपंच यहां के? क्या नाम है अपन के? फुलमा तिवारी। यहां अपन गांव में शौचालय पूरा बन गई से? पूरा है। कतक मां जी से? उसने आओ बांचे वही छह सात है। अच्छा, और रोड से कितने पूरा बांचे है? कहां से गांव के मन? पूरा नहीं बांचे से, थोड़े बांचे है। अच्छा, लेकिन बांचे है। हां, तो का बनी बनवा सब मनला खड़िया है? तो आज सचिन बल्दी हो गिनता। अच्छा, बाकी गांव ओडीएफ होगी से? हां, ओडीएफ होगी। अच्छा ठीक है। क्या नाम है? दिल मोहन। कहां के? मलदाबा। पंचायत कहां है? पंचायत है, ग्राम पंचायत है छे मलदा। मलदाबा। आपन शौचालय बनी से? नहीं बने है। का बनी बनी से? नहीं यार, आई थिंक हाथ मत देता हूं। कहां? अच्छा, सरपंच सचिव बोले रहे होगा? हां बोले रहे, मिल जाना। तो का बोले नमन आप मनला? हां भाई, चाहले बनाबो जैसे पिन का। अच्छा, तो अभी तक नहीं इस कहते हैं दादा। हां ये का नाम? अच्छा, ओमन काका से? ओमन काका है जी, जाना जी। आप अभी तक नहीं सकते? कौन ग्राम पंचायत का? ग्राम पंचायत मलदाबा। आपन के शौचालय निर्माण हो चुकी है? जी नहीं, कुछ नहीं बने। प्रधानमंत्री आवास योजना बन रहेगा। अच्छा, लेकिन शौचालय नहीं बनी? शौचालय नहीं बनी। तो सरपंच सचिव बोलता था, क्या बोलते हैं? ओमन ओमन बन ही बोलते हैं बस। अच्छा, बन ही बोलते हमेशा बोलता था। कौन गाँव ग्राम पंचायत का? शौचालय बनी से? ना, कुछ नहीं बनी। कुछ करे है कि नहीं करे? नहीं करे। तो सरपंच सचिव बोलता था, क्या बोलते हैं? मन कछु नहीं कहे जी। तो एक को बोले हो मनला? हां बोल कहे हम ताले नीच कहे। अच्छा, कैसे कहे हो मनला? हमरो बना दा कथे शौचालय बना दा कहे? हां, लेकिन ध्यान नहीं दे। हां तो सब हम अभी शौचालय जाब कैसे कर था? कहां जाता? जब बाहर जाता जी। अच्छा, माने शासन की योजना दे थे और बाद भी हमें मलदा पंचायत तो शौचालय बन गई से? नहीं बन पाई। कदक बनी से? अधूरा होई से। अभी कौन बनवा दे? सरपंच। का नाम है? और सीताराम बनवा दे। सरपंच कौन है? फूलमती बारी। हां, अच्छा, तो काबर नहीं बन पैसे तोर शौचालय? अब अधूरा करके छोड़ दे। माने का का माचे हो? में सब माचे होकर सीट टूट सब माहे, फिर पर दीवार उठा के सीट जब भर कर दी। अच्छा, गड्ढा कोड़ी? गड्ढा तो हमन कोड़े खुद। अच्छा, तो पैसा पास गड्ढा कोड़े? हां। कशु का नाम है? जीवन। तेरो कौन का गैस? मलदा। ग्राम पंचायत कहाँ है? ग्राम पंचायत मलदा। तो जी शौचालय बनवा सकते? हाँ जी, खुद बनवा है। हाँ, खुद पैसा पाके सो? नहीं पाए। सरपंच सचिव का क्या कहते हैं? कौन? हाँ हाँ कहते हैं। हाँ जी, शौचालय कौन दारी बनवा रहे? वो बोले दिन होगी नए घर बनाए तक की दिन के। क्या नाम है तुम? मोला जीवन के हैं। क्या नाम है तुम? गोटू। शौचालय बनवा है? हाँ। तो खुद बनवा है? खुद बनवाए। मोर पैसा कदा खर्चा करे? 20,000 लाग गए। अच्छा, तो पैसा पागे? नहीं पाए के। तो सरपंच ने बोला तो कर बा? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोले। हाँ, मोर पैसा बनवाए। कौन दे बनवा रहे? TV1 इंडिया न्यूज के लिए कैलाश नायक की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। धमदानगर के वीर सपूत मोहन पटेल, जो बीते 20 साल तक भारत माँ की रक्षा करते हुए सेवानिवृत्त होने के बाद घर वापसी पर दुर्गा रेलवे स्टेशन पर स्वागत करने जन सैलाब उमड़ा। स्वागत बसनी चौक के साथ ही धमदा आगमन पर पूर्व विधायक लाभचंद बाफना, पूर्व अध्यक्ष रमन यादव, राजीव गुप्ता सहित हर समाज के भारतीय सेना के जाबाज जवान को बधाई देते हुए फूलमालाओं से स्वागत करते हुए आतिशबाजी, भारत माता की जयकार लगाते हुए पूरे जन सैलाब घर पहुँचे। परिवार के सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर मंगल पूजा भी की। भारत माँ के लाल वीर सपूत जाबाज धमदा के माटी पुत्र मोहन पटेल ने मीडिया से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया, वहीं लोगों का आभार व्यक्त करते हुए देश में सर्जिकल स्ट्राइक अपना बता देश के लिए संदेश दिया। पूरा मेरा मित्र मंडल, मेरे नगरवासी धमदा धर्मधाम के सभी जो भी मेरे माननीय आए हैं, मैं इस स्वागत इस अभिनंदन के लिए बहुत बहुत अपने तहे दिल से अपने पूरा परिवार और मेरे फौजी भाई के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ और रहूँगा, हमेशा उनके आभारी रहूँगा। और जो इतना मैं कभी सोचा नहीं था, मैं 20 साल अपने ड्यूटी निभा के आया है, लेकिन आज मेरे को ऐसा लगा कि सही में फौजी आज ज़िंदगी आज
पूरा देश को मानते हैं और मानते रहेंगे। ऐसे अगर मिले हर फौजी भाई हमारे से इसलिए छाती फुला रहता है। जी सर, जिकर राय जो स्ट्राइक हुआ था उसका कोई राजनीतिक मामला नहीं था उसमें। ये एक फौजी आदमी अगर कोई दूसरे भाई का कोई गला काटता है या कुछ करता है उसके लिए एक मिशन बनाया जाता है। उसमें अगर हमारा ये भारत देश प्रजातंत्र देश है जो कि अपना पूरा एक साथ लेके सबको लेके सबको मूल्य कह रहे हैं और एक साथ लेके चलते हैं उसके दरमियान, और जो सरकार ने जो हमको इजाज़त दिया सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए बहुत पहले प्लानिंग भी था, और ये अगर ऐसा करेगा हमारे देश के प्रति तो हम उसके लिए हमेशा सक्षम रहेंगे। और मैं भारत सरकार माननीय मोदी जी को मैं धन्यवाद करता हूँ तो कि हमको ये मौका मिला है, और भी होता रहा लेकिन ये सरकार हमको फौजी के बीच में काफ़ी दिन बिताता भी है। हम जैनके में रहते थे, हमारे पास भी आते थे, बात भी करते थे, हमारे समझते थे। बहुत अच्छा सरकार है, मैं राजनीति वाला बात नहीं कर रहा हूँ। जो हमको हमारे साथ में उन्होंने हमारे साथ बिताया, हमको बोला, हमको प्रोत्साहित किया, और काफ़ी सारा उन्होंने फौजी के लिए एक क्या बोलते हैं हौसला दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ख़ासकर मेरे इस नगर धर्मधाम धमधा के जितना भी भाई बहन, मेरे बुजुर्ग, मेरे माता पिता और मेरे बड़े भाई, जो भी मेरे नगरवासी, मेरे युवा भाई लोग, ये मेरे को जो आज अभिनंदन किया उसके लिए बहुत बहुत अपने तह दिल से, अपने पूरा परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी जिंदगी भर रहूँगा। जो बच्चा छोटे छोटे गलियों में गिल्ली डंडा खेलते थे, जो बाजार में छोटे छोटे सब्जियों का व्यवसाय करते थे, उनके परिवार से एक ऐसा महान लड़का पैदा हुआ जो मोहन पटेल के नाम से जाना जाता है। और मोहन पटेल ने अपनी पूरी जीवन, जो बचपना छोड़कर जवानी की अवस्था में पहुंचकर इस देश के सुरक्षा के लिए ये धमधा नगर वासियों को गौरव बढ़ाया, इसके लिए मैं सबसे पहले इनके चार पीढ़ी और मोहन भाई को बधाई देता हूं, जिन्होंने पूरे शान के साथ पूरे भारत देश के रक्षा और सुरक्षा के लिए अपने तन मन और सारी अपनी जीवन जिंदगी जवानी लुटा दी, लेकिन अपने देश के रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहे। ऐसे में जन्म देने वाले उस माता पिता को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मोहन पटेल जैसे बच्चा पर यहाँ जन्म दिए हैं, वो धमधा के लिए गर्व की बात है। मैं नगर वासियों की ओर से बधाई देता हूँ, और आने वाला युग युगांतर तक ऐसा ही एक फौजी भाई जन्म ले जो अपना गांव, अपना परिवार, अपना देश, अपना प्रदेश का नाम रोशन करे। धन्यवाद। फौजी का सम्मान करता है, कोई भी राजनीतिक दल है फौजी के लिए पूरा देश समर्पित है। आज हमारा मोहन पटेल जी, जिनके पिताजी स्वर्गीय गया पटेल जी, आज हमारे बीच में स्वर्गीय गया पटेल जी नहीं है, आज रहते तो कितने खुश होते अपने बेटे को देखकर, स्वागत को देखकर। निश्चित रूप से फौजी के लिए हम सबका दिल हमेशा समर्पित रहेगा, और हर फौजी को हम दिल से सलूट करते हैं और हमेशा उसका सम्मान करते हैं। पूरे नगरवासी इस अवसर पर उनका हार्दिक स्वागत किया है। मैं भी मोहन पटेल की ओर से अपनी ओर से नगरवासियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और भाई मोहन पटेल का जो 20 वर्ष तक देश की सेवा की है उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए विमलेश द्विवेदी की रिपोर्ट, धमधा। गिद्ध पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार के मार्गदर्शन में जागरूकता अभियान अंजोर रथ प्रारंभ किया गया है, जो आज गीदम के साप्ताहिक बाजार स्थल पहुंचा, जहां लोगों को यातायात से संबंधित जानकारी देते हुए समझाइश दी गई। अंजोर रथ प्रभारी पुरुषोत्तम लाल ध्रुव ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2015 में 4082, वर्ष 2016 में 3908, वर्ष 2017 में 4136, वर्ष 2018 में 4592 मौतें सड़क दुर्घटना के कारण हुई हैं। इन सभी सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना, बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाना, रेड सिग्नल को तोड़ना, वाहन चलाने के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग करना, ओवर स्पीड से गाड़ी चलाना, और इस सब के कारण वर्ष 2019 माह जून तक 62 सड़क दुर्घटनाएं में 22 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 127 लोग घायल हुए हैं। इस अंजोर रथ के माध्यम से पुलिस ने जनता से अपील की है कि सुरक्षित चले, सुरक्षित रहे और गति सीमा में वाहन चलाए और यातायात नियमों का व संकेतों के पालन करे। नुरुल, अभी आज क्या कार्यक्रम चल रहा है? आज मार्केट डे के दिन अंजोर रथ कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें पब्लिक को कानून के बारे में जागरूक किया जा रहा है, और इसमें आपका ट्रैफिक संबंधी नियम का पालन करने का हिदायत दिया जा रहा है, और चीट फंड संबंध
नियम बताया जा रहा है और एटीएम कार्ड के संबंध में बताया जा रहा है पब्लिक को। अभी कोई चालान वगैरह की समझाइश देके छोड़ा जा रहा है कि कुछ पनिश भी दिया जा रहा है? अभी पनिश दिया जा रहा है, चालान संबंध में जानकारी दिया जा रहा है, सीट बेल्ट लगाने के लिए हेलमेट लगाने के लिए इजाजत दिया जा रहा है। कुछ दुर्घटना के आंकड़े हैं क्या आपके पास में? आंकड़े हैं, 2015 में दुर्घटना में कुल 4,082 मौतें हुई हैं, 2016 में 2,908 मौतें हुई हैं, 2017 में 4,036 मौतें हुई हैं, 2018 में 4,592 मौतें हुई हैं और जनवरी 2019 से वर्तमान तक 22 मृत्यु 37 घायल हुए हैं। अभी आप कितने दल बल के साथ इस अंजोर रथ का कार्यक्रम देख रहे हैं? यहाँ पे एक दो का बल है और थाना स्टाफ का बल है यहाँ पे और ट्रैफिक का बल भी यहाँ पे शामिल है। कब तक चलेगा ये कार्यक्रम? ये TV1 इंडिया न्यूज के लिए सहनवाज की रिपोर्ट, दंतेवाड़ा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में मारवाड़ी गौड़ ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने सावन तीज महोत्सव का आयोजन किया। 4 अगस्त रविवार को प्राचीन महावीर मंदिर प्रांगण में सावन तीज के अवसर पर मारवाड़ी गौड़ ब्राह्मण समाज की महिला मंडली की महिलाओं ने सावन तीज पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें सर्वप्रथम महिलाओं ने पूजा अर्चना कर धार्मिक भजन कीर्तन किया, जिसके पश्चात कार्यक्रम की श्रृंखला में विभिन्न खेल आयोजित किए गए, जिसमें रस्सी खींच, रुमाल दौड़, फुगड़ी एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही महिलाओं ने सावन झूले का भी लुफ्त उठाया और हरियाली तीज महोत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मारवाड़ी ग्रॉड ब्राह्मण समाज की महिला मंडल के द्वारा हरियाली तीज उत्सव मनाया गया है, जिसमें सभी महिलाओं उनका ग्रीन कोड रखा गया था। इसमें विभिन्न कार्यक्रमों को रखा गया था। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भजन से किया गया, तत्पश्चात झूला, सभी लोगों ने झूले का आनंद लिए। उसके पश्चात विभिन्न कार्यक्रम, क्यूट कार्यक्रम, रस्सा कस्सी कार्यक्रम, फुगड़ी कार्यक्रम रखा गया और रुमाल छू, ऐसे अनेक कार्यक्रम इसमें रखे गए और सभी महिलाएं बहुत उत्साहित और आनंद के साथ इस कार्यक्रम में। TV1 इंडिया न्यूज के लिए नामिस अग्रवाल के साथ बंटी शर्मा की रिपोर्ट, डोंगरगढ़। चेमल नदी में हरिशंकर का शव मिला। पड़गाल नदी में बहे उमेश सिंह पटेल का अब कोई सुराग नहीं है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और ग्रामीण दूसरे व्यक्ति का शव खोजने में जुटे हुए हैं। TV1 इंडिया न्यूज के लिए RL कुलदीप की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़।